अब तक आपने देखा रिद्धि अखंड सौभाग्यवती बन के विन से शादी करती है, पर विन की हालत नाजुक होने के कारण ये बात विन से छुपाई जाती है। रिद्धि ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर कौन है वो शख्स जो विन की जान लेने पे तुला है, पर वो इस बात से बेखबर है कि इन सब के पीछे मंजरी का हाथ है। मंजरी बार बार विन की जान लेने की कोशिश करती है, पर रिद्धि हर बार उसकी कोशिश को नाकामयाब कर देती है। पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊं ना। अब आगे रिद्धि सिन्हा, तूफान का दूसरा नाम। कहां तो मुझे ये लगा था कि एक पागल सी लड़की मेरी जान लेने आई है, और कहां इसने कई बार मेरी जान बचाई है। बातें पूरे नहीं लगती, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उसकी आदत सी हो गई है। वो नहीं होती है तो उसे देखने का मन क्यों करता है। कैसे सपना देखा? सिद्धि की जगह रिद्धि की तस्वीरें क्यों देखी? ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हो गया? क्या मेरा इस वक्त रिद्धि के कमरे में जाना सही होगा?
देख तो लूं कि वो तैयार हुई भी है कि नहीं। वैसे भी आज बहुत काम है। अभी तो सिर्फ 8:30 बजे हैं और हमारी मीटिंग में अभी बहुत वक्त है। इस तरह अपनी आंखें बंद करके क्यों खड़े हैं यहां पर? कहीं आपको चक्कर तो नहीं आ रहे? चक्कर नहीं, नशा। नशा? हाँ वो नशा। मैं आजकल दवाई ले रहा हूँ ना, तो उसका नशा रहता है मुझे। सर आप खड़े क्यों हैं? आप आइए बैठिए यहाँ पर। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और ये क्या, आपके सर की पट्टी कहाँ है? आपने निकाल दी क्यों? मिस्टर ने टेंशन की बात नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है पट्टी की। अभी चोट बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं तो यहाँ ये देखने आया था कि आप तैयार हुई है कि नहीं। सर मैंने अभी अभी तो आपको मैसेज किया था कि मैं 10 मिनट में रेडी होके आ रही हूँ। And I think आपने वो मैसेज पढ़ा भी था। मैसेज? हाँ वो मैंने मैसेज पढ़ा था, फिर मुझे लगा शायद आप तैयार नहीं हुई होंगी, इसलिए मैं आपको बताने के लिए आ गया कि आप जल्दी तैयार हो जाएं। लेकिन सर मैं हमेशा टाइम पर ही तैयार होती हूँ। मुझे पता है हो जाती है। मुझे लगा क्या पता आज हो या ना हो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट पे जाना है ना, तो इसलिए मैं खुद बताने आ गया था। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। मुझे खुद को ही नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। मैं नीचे चलता हूँ, आपका इंतजार करता हूँ और आप जल्दी से आ जाइए रेडी होके। हाँ ये मुझे रिद्धि के सामने क्या हो जाता है, कुछ भी बातें करने लग जाता हूं, कुछ भी। ये वीनू को हो क्या गया? ये क्या बोल कर गया? रिद्धि मैंने अभी भी विनायक को जाते हुए देखा, सुबह सुबह क्या कर रहा था यहाँ पे? बोल ना रिद्धि, कहीं वो मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में पूछने तो नहीं आया था? नहीं माँ। पता है
मैं रात भर सो नहीं पाई उस मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में सोचकर। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था ये सोच के कि अगर विनायक कल मैरिज सर्टिफिकेट देख लेता तो क्या हो जाता। माँ 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 आप चिंता मत कीजिए, विन सर ने कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देखा और ना ही उनको इस बारे में पता है। यही तो मेरी असली चिंता है कि उसने सर्टिफिकेट नहीं देखा। वैसे रिद्धि ये बता कि तूने सर्टिफिकेट रखा कहाँ है? माँ मैंने ऐसे जगह छुपाया है जहाँ पर विन सर बिल्कुल नहीं जा सकते। आइए माँ मैं दिखाती हूँ आपको। माँ ये देखिए यहाँ पर। अच्छा हो तूने इसे यहाँ छिपा के रखा है। सुन अब इन चाबियों को संभाल के रखना। वैसे मैं ही रख लेती अपने पास, लेकिन क्या है ना तुझे भी तो आदत होनी चाहिए ना, अब तो इस घर की बहू जो है। माँ अरे ये क्या कर रही है? माँ इन्हें आप संभालिए और जिम्मेदारियां भी आप ही संभालिए, मुझे बस बहू होने का फर्ज निभाने दीजिए। माँ फिंसर का कॉल है, शायद उन्हें मुझसे बात करनी है, मैं बस आई। ले 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 ले। बेचारी रिद्धि उसे तो पता ही नहीं है कि उसने एक चोर के हाथों में चाबियां दे दी है। चोर नहीं डकैत। वो डकैत जो इन चाबियों के सहारे विनायक की जिंदगी पर डाका डालेगा। अरे कल विनायक ने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देखा तो क्या हुआ? मेरी दो नादान बहुएं हैं ना, वो किस दिन काम आएंगी? हाँ गौरी और प्राची, दोनों में से कोई एक तो मेरा ये संदेशा विनायक तक पहुंचा ही देगी, समझ लगा? अच्छे से सारा सामान पैक हो गया ना? ये सर। ठीक है जब गाड़ी में रख दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके सर। विन तू खाना पैक करवा रहा है, बाकी सब लोग का है? मैं क्यों नहीं पैक करवा सकता? और आपको पता है मैंने अपनी पसंद का खाना पैक करवाया है। अच्छा ये तो बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अरे वो कल सर में दर्द था ना इसलिए सो गया था। I'm sorry यार, इतना काम था रात में तो तुझे सब कुछ अकेले अरेंज करना पड़ा। अरे भैया। नहीं मनवीर भैया आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ हाँ आजकल मेरे बिना तो तुम मैनेज कर ही लेती हो। वैसे कहो तो आज भी ना चलूं? मैनेज तो हो ही जाएगा। क्यों? एक मिनट भैया, आप क्यों नहीं आओगे? इंटरव्यूज है, मेरी शूटिंग है और भी बहुत सारे काम है, आपको चलना पड़ेगा, समझे आप? नहीं नहीं है, ये कुछ भी नहीं चलेगा, चलो आप मेरे साथ। ठीक है। मिस्टर लगता है मनवीर भैया मुझसे बहुत नाराज हैं। होंगे भी क्यों नहीं, बातें तो ऐसी की है मैंने, कैसे मनाऊं इन्हें। लगता है विनायक और रिद्धि चले गए। प्राची किचन से निकल गई होगी। चल शुरू हो जा मंजरी। अरे देवा आई को मेले में मेले। मम्मी जी। अरे देवा। अरे मम्मी जी क्या हो गया आपको, आप ठीक तो है ना? मेरे पाँव में मोच आ गई। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं वो विनायक का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लेने आई थी, सोफा से टकरा गई और गिर गई और पैर में मोची आ गई, देखना। रुकिए मैं आपके लिए बाम और बैंडेज लेके आती हूँ। रुक रुक रिद्धि यही कहीं फर्स्ट एड बॉक्स रखती है, उसमें ना सब कुछ होता है, तू जरा चेक करना कबर्ड में। हाँ अभी लाती हूँ।
अरे मम्मी जी, ये तो बंद है, इसकी चाबी कहाँ होगी? अरे देख ना जरा, यही कहीं होंगी ड्रॉर वॉर में, देख ले। हाँ मम्मी जी, रुको। मिली चाबी? मिल गई चाबी, देख देख जल्दी। बस अब इसकी नजर उस मैरिज सर्टिफिकेट पर पड़ ही जाएगी। हाँ लिया, मिल गई मम्मी जी। एक सेकंड। हाँ देख स्प्रे होगा उसमें। अब जाके थोड़ा आराम मिला। जीती रहे बेटा, जीती रहे। अरे मम्मी जी, आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है ना। आप यहीं आराम कीजिए, मैं आपके लिए एक पेन किलर लेके आती हूँ, जल्दी से ठीक हो जाओगे। हाँ मम्मी, उठिएगा नहीं यहाँ से। हाँ सर्टिफिकेट यहीं तो रखा था, आखिर वो सर्टिफिकेट गया तो गया कहाँ? विन, ये हमारी फिल्म का हाई पॉइंट सीन है, यहाँ से हमारे हीरो का कैरेक्टर टर्न लेता है। मनवीर भैया, हाँ बोलो। ये क्या है? ये तो तुम्हारे और विन के मैरिज सर्टिफिकेट है, ये मुझे क्यों? भैया मैं चाहती हूँ कि ये आपके पास रहे और आप इसे घर के बाहर किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर ये महफूज रहे। क्यों? कल तक तो तुम मुझ पर शक कर रही थी और आज अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज मेरे हवाले कर रही हो। क्योंकि कल मैं एक डरी हुई बीवी के नाते ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं मेरे पति को आपसे खतरा तो नहीं है। तो अब क्या बदल गया? आज मैं निश्चिंत हो गई हूँ, आप अपने छोटे भाई का कभी बुरा नहीं चाहेंगे। ये सही है, एक पल में शक का घाव देती हो और दूसरी पल में उस पर रिश्ते का मरहम लगाती हो। भैया अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो अपने घर वालों पे कभी शक नहीं करता। यू नो समथिंग रिद्धि, उस विल में ये भी लिखा था कि अगर विन के शादी के बाद उसे कुछ हो जाता है ना तो सारी प्रॉपर्टी उसकी बीवी की हो जाएगी। मैं जानता हूं तुम उसकी बीवी हो और उस पर हमले भी बंद नहीं हुए हैं, और इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें कटघरे में खड़ा कर दूं। रिद्धि, जब तुम उसकी जिंदगी में नहीं थी ना, और जब वो सुपरस्टार विन कुंद्रा नहीं गांव से आया हुआ एक विनायक था, तब से लेकर अब तक मैं उसके साथ रहा हूं। उसने मुझे अपना भाई नहीं, भाई से पहले अपना दोस्त माना है। एक बात समझ लो रिद्धि, हम भाइयों में से कोई भी कुछ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। भैया, I'm really sorry. मैंने आपको विन सर का दुश्मन समझा, मगर मेरा यकीन मानिए, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। मैं बस अपने पति की सलामती चाहती थी भैया, that's it.
रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं रिदीप, ये क्या कर रही हो? घर की बहू बेटियां हाथ जोड़े अच्छा नहीं लगता। डोंट वरी, मैं इसका ख्याल रखूंगा। एक मिनट बस हो गया। एक सेकेंड। मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि आपको झुकना नहीं है, आप मुझसे कह सकते हैं ना? मिसेन आप हमेशा थोड़ी ना रहेंगे मेरे साथ। क्यों क्यों नहीं रह सकती मैं हमेशा आपके साथ? बोलिए ना, कहीं आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल रहे हैं? मैं आपको नौकरी से क्यों निकालूंगा? तो बस रहूंगी मैं आपके साथ हमेशा। अब तो आपकी आदत सी पड़ चुकी है मिस सेना।